नमस्कार मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 नए केस सामने आए हैं और 159 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट 98.36% है, जो कि पिछले मार्च से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 8,251 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक कुल 3,40,97,388 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.73% है, जो कि पिछले 66 दिनों में 2% से नीचे है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.74% है, जो कि पिछले 25 दिनों से 1% से नीचे है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 80,86,910 डोज दी गई है। अब तक कुल वैक्सीनेशन 13,39,32,286 हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसे मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात कही गई है। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में सभी का आवास सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून की वापसी के बाद आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान संगठनों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें सरकार की तरफ से उनकी मांगों का प्रस्ताव दिया गया है। गुरुवार को सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में एमएसपी पर एक समिति बनाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने का वादा किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि जहां तक मुआवजे की बात है तो यूपी और हरियाणा सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को भारत की वनडे टीम के कप्तान पद से हटाकर बागडोर रोहित शर्मा को सौंप दी है। कोहली पहले ही टी20 कप्तानी छोड़ चुके हैं। पता चला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें स्वेच्छा से वनडे टीम की कप्तानी से हटने के लिए पिछले 48 घंटे का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन 49वें घंटे में रोहित शर्मा को यह पद गवा बैठे, जो होना ही था। शायद किसी को यह बताने के लिए उसका समय हो चुका है। विराट कोहली की बर्खास्तगी के बारे में बीसीसीआई के बयान में जिक्र भी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को स्थगित किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 11 दिसंबर को किसान अपने घर वापस लौट जाएंगे। किसान नेता बलवीर सिंह राज्यपाल ने कहा है कि अहंकारी सरकार को झुका कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। मोर्चा खत्म हो रहा है, 11 दिसंबर को घर वापसी होगी। कोरोना वायरस के मामले अभी भी पूरे देश में चिंता की बात है। इसी बीच झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ये मुआवजा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सभी उपायुक्तों को राशि का विवरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अब तक कोरोना वायरस से 5,141 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की सोलर लाइट लगाने की योजना के लिए विभाग में तेजी से आवेदन आने लगे हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों पर सोलर लाइट लगाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। ऊर्जा विभाग छत पर सोलर लाइट लगाने के लिए 50% सब्सिडी भी दे रहा है। इससे पैदा होने वाली बिजली को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बची हुई बिजली को विभाग को बेच भी सकते हैं। 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग आपसे खरीदेगा। संबलपुर रेल मंडल के संबलपुर टिटलियागढ़ रेलखंड अंतर्गत संबलपुर एवं हीराकुद स्टेशन के बीच पटरियों के दोहरीकरण कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इस वजह से कई ट्रेनों के परिचालन को रेलवे ने रद्द कर दिया है। ट्रेन संख्या 18311 संबलपुर वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन 12 दिसंबर को संबलपुर स्टेशन से रद्द रहेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 18312 वाराणसी संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार 9 दिसंबर और 13 दिसंबर को वाराणसी स्टेशन से रद्द रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्तियां होनी जा रही है। बैंक ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार कुल 1226 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 18 दिसंबर को शाहजहांपुर रौजा रेलवे मैदान में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि यह शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का एक विशाल आयोजन होने वाला है, जी दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है। त्यौहार की तरह नए साल पर भी मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नए साल में डीए बढ़ाने के साथ ही एचआरए पर भी चर्चा हो रही है। बता दें इससे पहले दिवाली पर मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों को खुश कर सकती है।
बोकारो सदर अस्पताल में मरीजों को रेफर कर निजी अस्पताल में इलाज करने और आयुष्मान से बीमा राशि का दावा करने के मामले को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। आयुष्मान भारत योजना के प्रभारी डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान की टीम फर्जीवाड़ा की जांच के लिए बोकारो जाएगी। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की खबर बोकारो से लगातार मिल रही है, इससे छवि खराब हो रही है। गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई और एनएसई दोनों में तेजी दिखी गई और आज सुबह शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई के मेन इंडेक्स सेंसेक्स 215.19 अंक यानी कि 0.37% की बढ़त के साथ 58,864.87 अंक पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं एनएसई का मेन इंडेक्स निफ्टी सुबह 58.15 अंक यानी कि 0.33% की बढ़ोतरी के साथ 17,527.90 अंक पर कारोबार करता हुआ देखा गया। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पैसेंजर्स की सुविधा के लिए निरंतर कई शहरों के बीच सीधे फ्लाइट्स आरंभ कर चुकी है, जिससे एयर ट्रैवलर सरलता से और सस्ते किराए में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। त्योहारों के वक्त से आरंभ हुआ यह सिलसिला अब भी निरंतर जारी है। डायरेक्टर के अतिरिक्त नॉनस्टॉप फ्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं। दरअसल कई शहरों से सीधी फ्लाइट की सुविधा नहीं होती है, ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक रूट में बार बार फ्लाइट्स बदलनी पड़ती है। मगर बीते कुछ वक्त से लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सुबह के शुरुआती कारोबार में सुबह 9:23 पर सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी जैसे शेयर बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अजय देवगन, रामचरण और एनटीआर जूनियर की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर से इन सभी कलाकारों का लुक और एक्शन देखकर ये लोग एकदम से लग रहा है कि आने वाले साल 2022 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित होगी। बाहुबली सीरीज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद डायरेक्टर एसएस राजमौली के निर्देशन पर बनी आरआरआर के ट्रेलर में बेहतरीन डायलॉग्स और एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस फिल्म के लिए बेताब हो गए हैं। एल्गार परिषद मामले में 3 साल और 3 महीने पहले गिरफ्तार की गई वकील और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज गुरुवार को मुंबई के भाईकला महिला जेल से रिहा हो गई हैं। मशहूर वकील और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को 3 साल पहले एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ ही 16 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। 3 साल और 3 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद गुरुवार को उन्हें महाराष्ट्र के भाईकला जेल से रिहा कर दिया गया। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 1 दिसंबर को दी गई डिफॉल्ट जमानत पर रोक लगाने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को खारिज करने के बाद यह कदम उठाया गया। लौह नगरी में कोविड 19 के जिस तरह से नए नए मामले सामने आ रहे हैं उसके कारण इस वर्ष भी जमशेदपुर कार्निवल और फ्लावर शो नहीं होगा। टाटा स्टील और टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से पिछले कई सालों से विंटर फेस्ट के रूप में कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज गुरुवार को संसद में बताया कि भारत अगले साल मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान से पहले 2022 के अंत तक 2 मानव रहित मिशन शुरू करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले कुछ सालों में वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन पर अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अन्य अंतरिक्ष परियोजनाओं की स्थिति साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि वीनस मिशन 2022 के लिए योजनाबद्ध है, जबकि सोलर मिशन 2022-23 और अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक के लिए तैयारी तेज है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले महीने मेडिकल स्पेशलिस्ट के 641 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन मांगे थे। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2021 है। योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के योग्य हैं। इन पदों पर कैंडिडेट्स का चयन भर्ती परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद राज्य में शराबबंदी कानून का पालन करवाने को लेकर पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर अब एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में होने वाले शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की होगी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव की सगाई हो गई है। सगाई से जयमाला तक की सारी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। शादी भी आज ही हो रही है और तेजस्वी की होने वाली दुल्हनिया एरिक्सिस पहले बतौर एयर होस्टेस काम करती थी, वही दिल्ली के वसंत विहार में रहती है और उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली की बेटी वामिका का जन्म 11 जनवरी 2021 को हुआ था। इस साल की ये खबर ट्विटर पर सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाली खबर बनी है। वहीं कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस द्वारा दी गई सहायता राशि की खबर इस साल की सबसे ज्यादा रीट्वीट की जाने वाली खबर थी। आपको बता दें कि विराट कोहली की बेटी के जन्म की खबर को 5,38,200 लोगों ने ट्विटर पर लाइक किया था।
उत्तर प्रदेश में जारी टोपी वाली सियासत की झलक दिल्ली में भी दिखाई दी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन आज संसद पहुंची थी तो उनके सिर पर लाल टोपी नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने निलंबित हुए सांसदों को लाल टोपी पहनाई। हालांकि उन्होंने कांग्रेस सांसदों के सिर पर यह टोपी नहीं सजाई। जया बच्चन के अलावा बुधवार को अखिलेश यादव समेत कई नेता लाल टोपी में दिख रहे थे। बताते चले कि गोरखपुर में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में हरियाणवियों निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण के फैसले यानी कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 को पंजाब और हरियाणा में चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया है। यह एक्ट 15 जनवरी को हरियाणा में लागू होना है। कोर्ट ने इससे पहले सरकार को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे समकालीन ऑफशोर गेमिंग डेस्टिनेशन डेल्टन रॉयल 50,000 वर्ग फुट में फैले अपने 1,000 गेमिंग स्टेशन के साथ बेहतरीन गेमिंग अनुभव, लाइव मनोरंजन और स्वादिष्ट बुफे भोजन के अविश्वसनीय मिश्रण के साथ लोगों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व स्तरीय अनुभव सुनिश्चित करते हुए डेल्टन अमेरिकन रूले, इंडियन फ्लश, एंडोर बहार, ब्लैक जैक, बैका रेट और टेक्सास होल्डम पोकर सहित अन्य खेलों की मेजबानी करता है। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022-23 की दूसरी तिमाही में होने की संभावना है। उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन प्राप्ति के अग्रिम चरण में है। नोडन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल दोनों के सभी प्रणालियों को प्राप्त एवं एकीकृत किया गया है और उनका परीक्षण किया गया है। लैंडर मॉड्यूल के अधिकांश प्रणालियों को साकार किया गया है और उनके परीक्षण प्रगति पर है। डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल को स्केड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा दे दिया है। ये फैसला आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में करीब 6% की तेजी आई है, जो गिरावट का दौर से गुजर रही थी। पूरी दुनिया के 57 देशों में फैल चुके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई नया मरीज पिछले 24 घंटे में तो नहीं मिला, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका खतरा अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन के साथ देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज बड़ी मीटिंग करते नजर आए। मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वर्चुअली जुड़े और तैयारियों को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि देश के कम से कम 12 राज्यों में कोरोना मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। फिलीपींस ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए 13 दिसंबर से फ्रांस से यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट सचिव कार्लो नोग्रालेस ने कहा है कि प्रतिबंध 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, जैसा कि सरकार द्वारा पहले 14 अन्य देशों को हरी झंडी दिखाई गई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजेश कुमार, कृष्णा दुबे, मनीष कुमार, नोमैड शुभम, मनीष कुमार सिंह, कुंदन कुमार, अल्तमास जावेद, छोटू कुमार, नुन्नू कुमार, पवन कुमार, अभिजीत कृष्णा, विपिन कुमार, रूपेश कुमार, संतोष कुमार दास, डांसिंग स्टार खुशी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नए वेरियंट के आने के बाद से आपके आसपास लोगों में कोरोना की गाइडलाइन को लेकर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।